हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ ऑटो में, आप मुझे देख सकते हो। एंड मैं बहुत ही खास जगह पे जा रही हूँ। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना में चोर मार्केट भी है, मैं वहीं जा रही हूँ। एंड मैं आपको आज पूरा चोर मार्केट दिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहो मेरे साथ। ओके, एंड थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे चोर मार्केट। दोस्तों, मैं स्टेशन पहुंच गई हूं। एंड ये जो मार्केट है, यहाँ स्टेशन के सामने लगता है। एंड ये जो जगह है, ये रेलवे स्टेशन है, पटना रेलवे स्टेशन है। एंड पटना रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, एंड इधर बगल में बुद्धा पार्क है। ओके, तो चलिए मार्केट घूमते हैं। यहाँ मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरा दिखाने का, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। इस मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे स्लीपर्स हो, कपड़े हो, बेल्ट हो, या फिर यूज वाले सामान हो, चाहे घरेलू यूज का हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला, सब कुछ मिलेगा आपको एंड अच्छे दाम में। रेड वाले का प्राइस क्या है इसका? 550। ओके, डिस्काउंट देते हो क्या थोड़ा सा? हाँ, कितना करोगे आप लास्ट? 450 का लगेगा। 450। ओके, क्या बेच रहे हो अंकल? ये हाफ पैंट बेच रहा हूँ। कितने का? एक है 50 रुपए का और दूसरा है आपके 75 रुपए। 75। ओके, मतलब 50 में ये वाले आएंगे? जी, 50 भी आएंगे, 75 में वो है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। कितना में? 150 पीस। ओके, सही है। हाँ जी दोस्तों, आइए तो मैं आपको स्वेटर्स एंड जैकेट दिखाती हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे स्वेटर्स एंड जैकेट है। इनका प्राइस एकदम कम, 150 में मिल रहा है। एक है जैकेट, एंड जैकेट काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। काफ़ी सॉफ्ट भी है एंड मोटा भी है, ठंडी का काम आ सकता है। इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर। अभी क्या ना, ठंड खत्म हो गई है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड मेरे पास जस्ट सटे हुए में यहाँ पे ब्लेजर्स मिल रहा है मेंस का, तो चलिए उसे देखते हैं एंड जानते हैं कि उसका प्राइस क्या है। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ ब्लेजर के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ब्लेजर है, काफ़ी अच्छा खासा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसका प्राइस बहुत ही कम है। उन्होंने बोला 250 ना, 250 प्राइस है एक ब्लेजर का। ब्लेजर में दम है। एंड यहाँ पे वाइट शर्ट मिल रहा है, ये देख सकते हो आप, इसका प्राइस 150। ये देखो, सफ़ेदी की चमका, 150, ओनली 150। एंड ये कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन का है। अगर आपको वाइट शर्ट वगैरह लेना हो तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। इस पर केवल वाइट ही है एंड इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, मैंने आपको बताया ही, 150। सर प्राइस क्या है? 150 रुपये की है। 150 रुपये? ओके। अच्छे खासे स्लीपर्स है, मतलब स्लीपर है, सैंडल है, जूते हैं, सब कुछ है। इनका जो प्राइस है, आप भी सुन के चौंक जाओगे, ओनली 100, मतलब कोई भी लो 100। यहाँ पे कलर्स आपको मिल जाएंगे चप्पल्स में भी, प्लस सैंडल में हील भी मिलेगा एंड बहुत अच्छा दिख भी रहा है। एक दो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, रेगुलर यूज के लिए काफ़ी अच्छा है, मजबूत भी है, केवल 100 रुपये में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है।
एंड एक स्लीपर दिख गया मुझे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, इसमें कलर्स मिलेंगे है ना, हाँ ब्लैक में। इसका ऑनलाइन प्राइस आपको पता है 400, बट यहाँ पे 100 में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कम दाम में मिल रहा है तो ये मजबूत नहीं होगा, ये काफ़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्लीपर्स है, अच्छे खासे स्लीपर्स है, जूती है। आइए इसका दाम जानते हैं। अंकल दाम कितना है? ये दाम इनका बहुत कम है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, आप जैसा लेना चाहे वैसा आपको मिलेगा, मिल जाएगा। आइए मैं आपको एक जूती दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा कलर ना बहुत हल्का है, ये देखो आप, ये ना बहुत ही मतलब हल्का है एंड ये लाइट में है। प्लस इसका प्राइस क्या होगा? 150। हल्का सा हील भी है, काफ़ी अच्छा है। एंड एक और जूती दिखाते हैं, जूती का भी प्राइस सेम है ना, जूती का भी प्राइस सेम है, आप डाल सकते हो। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ, लेडीज शॉपिंग जो करती हैं ज़्यादातर कुर्ती का करती हैं, सैंडल्स का तो दिखाया मैंने आपको। आइए एक नज़र कुर्ती पर भी डालते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कुर्ती है। ये ना मुझसे हिल नहीं रहा है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुर्तीज वगैरह है। इसका प्राइस कितना सर? 250 इसका प्राइस है। एंड मैं आपको एक दो कुर्ती दिखाती हूँ, ये देखो आप कितना प्यारा लुक है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर बच्चों से लेके जेंट्स सबका कपड़ा है, लेडीज का भी है लेकिन ज़्यादातर जेंट्स लोग का है। इतना भीड़ तो खेतान मार्केट में भी नहीं होता है, एक नज़र आप डालो एंड आपको खुद अंदाज लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कितना भीड़ है। यहाँ पर बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी मिल रहे हैं कपड़े, ये देख सकते हो आप, बच्चों के फ्रॉक्स हैं एंड इसका प्राइस बहुत ही कम है, 250 में जोड़ा। मैं आपको एक दो फ्रॉक दिखाती हूँ, ये प्योर कॉटन में है। ये जो ड्रेस है इसका प्रिंट काफी अच्छा है एंड ये बड़ों के लिए भी है, जो बच्चे हो जाते हैं 16-17 साल का उनके एज का भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कवर्स मिल रहे हैं फोन के एंड फोन के ऊपर जो ग्लासेस लगते हैं वो भी मिलते हैं। इन सब का दाम क्या है? इसका जो प्राइस है 40 से 50 रुपये है, आप अपने फ़ोन के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं आपको एक दो पैटर्न दिखाती हूँ, ओके। डाटा केबल, ब्लूटूथ वगैरह है, स्पीकर है, सर प्राइस वगैरह क्या होगा? सबका अलग अलग है, ओके। तो आप मुझे बताइए इस चिड़िया का प्राइस क्या है? 100 में डबल, कोई सिंगल लेना चाहे तो? क्या है? ये रेड वाला खोलना जरा।
देखा कि लोगों से बात की एंड मुझे इन लोगों ने बताया कि इसे लोग ऐसे ही चोर मार्केट बोलते हैं, बहुत सारे रीजन देते हैं चोर मार्केट बोलने का, लेकिन इस मार्केट का नाम ओरिजिनल नाम मैं बताती हूँ क्या है। ओरिजिनल नाम क्या है सर बताइए मुझे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्केट। लोहिया मार्केट, ओके। तो प्लीज़ आप इसे चोर मार्केट ना कहें, लोहिया मार्केट नाम है इसका। एंड इन्होंने मुझे रीज़न दिया, लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो क्लोथ्स होते हैं उनके कभी कभी कलर्स चले जाते हैं, तो लोगों का मानना है कि ये चोर मार्केट का है, सस्ता पड़ा है इसके वजह से कलर गया है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम महंगी चीज़ लेते हैं उनका भी कलर चला जाता है, तो हम ब्लेम तो नहीं करते ना, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ओके, तो आइए दो चार चीज़ें देखते हैं एंड इनका प्राइस जानते हैं क्या है। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हो ये 150 इन्होंने बोला है लास्ट। इसमें क्या है ना कि हुडी है प्लस इसका जो प्रिंट है काफ़ी अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि इसका कलर जाएगा। एंड जो ये टी शर्ट है काफ़ी सॉफ्ट है, कॉटन का है, ये देख सकते हो आप, ये 2-in-1 का नाम है इस टी शर्ट का। ये ज्वाइन है टी शर्ट, ऊपर जैकेट टाइप का है एंड इसका लुक काफ़ी अच्छा है। 200 ये बैलून जीन्स है, 300 में कॉटन का है एंड काफ़ी अच्छा है इसका लुक। आप देख सकते हो सर ने दिखाया मुझे वाइट जीन्स, सर थोड़ा फ्रंट से दिखाइए ना, ये है वाइट जीन्स पूरा एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल लुक है एंड ये जो है ना सारे मतलब कलर के टी शर्ट पे जा सकता है। सर कॉटन का है ना ये शर्ट, कॉटन का है एंड इसका जो मतलब लुक है काफ़ी अच्छा है, वाइट है, बूंदी बूंदी ब्लैक है। सर इसका प्राइस 250 सर, आप डिस्काउंट लगा के ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जॉगर्स देखने आई हूँ, ये जो जॉगर्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, फौज वाले कलर्स का जो है ये वाला काफ़ी प्यारा लगता है। सर गर्ल्स के लिए नहीं है क्या यहाँ पे, केवल लड़कों का है? ओके, मेरा दिल आ गया इस पर, लेकिन यहाँ पे ना लड़कियों का नहीं है, लड़कों का ही है। जॉगर्स काफ़ी अच्छा है, कलर्स भी आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, मतलब मेरा तो फेवरेट होता है ये भी ठीक लग रहा है। सर प्राइस क्या होगा इनका? 350 इसका प्राइस, सर ने 350 बोला है। सर ईमानदारी से डिस्काउंट मार के बोलो बस, 750 बता रहा है। अच्छा डिस्काउंट लगा के 350 है, वरना आप 700 बोलते हैं। ओके थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट लगता है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी मिलती है। बट बात क्या है ना कि हम जो चीज़ें लेते हैं ना उसको देख के लेते हैं, आप भी लो तो देख के लो एंड छूने से तो पता चल ही जाता है। कपड़े की बात करें तो ये ठीक है, यूज वाले कपड़े हैं, हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या है। मास्क का प्राइस क्या है? मास्क का 30 रुपये। ओके, एंड रुमाल वगैरह का कुछ भी 30 रुपये। यहाँ पे सॉक्स मिल रहे हैं, ये देख सकते हो आप, तीन है मतलब तीन कलर्स में है, ग्रे, वाइट एंड ये भी हल्का ग्रे में ही है। इसका प्राइस है 60 रुपये, सही है। एंड मोजा भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है। थैंक यू। फोटो आ जाओ, नाम बताओ। नाम भैया कन्हैया किसका है और आपका? हमर पवन। पवन, ओके। इनका बुची बुचिया 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 अच्छा खुशी। ओके, सबको हाय बोलो, आप लोग सबको हाय बोलो। हाय हाय, मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार, अजय कुमार हाय। आप क्या करते हो? हाय ओ हाय, क्या करते हो? काम क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन से क्लास में? आंगनबाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कौन से क्लास में हो? हम 7 क्लास में। ओके, एंड तुम? पैसे मिल गए ना, बांट लो सब, बांट लोगे? ये देखो आप, खुशी के ना तीन चिड़की बांधे गए हैं, एक आगे एक आगे दो पीछे। खुशी पीछे घूम के दिखा दो, पीछे घूमो पीछे। ये देखो आप, न्यू यूनिक है, मैं भी एक बार ट्राई करूंगी कैसी लगती हूँ मैं तीन में। किसने बांधा है बाल?
मम्मी बहना मम्मी ने ओके चलो गाइस सबको बाय बोलो हाय अभी मुझे घर जाने के लिए ऑटो लेना पड़ेगा इधर से मुझे बोरिंग रोड जाना है मैं चिल्ला रही हूँ ऑटो ऑटो बोरिंग रोड ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ऑटो चला रही हूँ ऐसा चिल्ला रही हूँ अभी क्या ना यहाँ इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि चिल्लाना ही पड़ रहा है बोरिंग रोड हाँ बोरिंग रोड चौराहा से आगे कहाँ से जाओगे बोरिंग रोड चौराहा तो फाइनली मुझे ऑटो मिल गई है एंड मैं चल रही हूँ घर अभी क्या है ना बहुत ज़्यादा शाम हो गई है काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर से निकले हुए यहाँ आने के बाद से पता चला मुझे कि कितना मतलब चिल्लाना पड़ेगा कितना शोर हो रहा है मतलब गजब जो मेरी गला है ना खसखस कर रहा है घर जाऊंगी पानी पीऊंगी चाय बनाऊंगी चाय पीऊंगी एंड उसके बाद से थोड़ा आराम करूंगी तब जाके मेरा मूड फ्रेश होगा तो दोस्तों आपको ये मार्केट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय बाय।